दमोह जिले की हटा विधानसभा की कांग्रेस सीट पर बंटवारे को लेकर जमकर हंगामा हो रहा है। हरिशंकर चौधरी को टिकट देने का कांग्रेसियों ने विरोध करते हुए जमकर नारेबाजी की। दमोह जिले की हटा विधानसभा की टिकट कांग्रेस के द्वारा घोषित किए जाने पर पार्टी कार्यकर्ताओं में रोष देखा जा रहा है। आपको बता दें कि हटा विधानसभा के तमाम कांग्रेसी करीब हजारों की संख्या में एकजुट होकर इस्तीफा देने की होड़ में जुट गए हैं। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का कहना है कि बाहरी प्रत्याशी को लाकर कांग्रेस के आलाकमान अधिकारियों ने क्षेत्र के कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का अपमान किया है। उनका यह भी कहना है कि अगर जल्द ही हटा विधानसभा की टिकट पर फेरबदल नहीं किया गया और स्थानीय प्रत्याशी को टिकट नहीं दी गई तो कार्यकर्ता हजारों की संख्या में एकजुट होकर पार्टी से इस्तीफा दे देंगे और किसी अन्य दल से अपने प्रत्याशी को खड़ा करेंगे। इस दौरान उग्र कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी भी की। कार्यकर्ताओं का मानना है कि विधानसभा में गलत प्रत्याशी को टिकट देकर कांग्रेस पिछला चुनाव भी हारी थी। कांग्रेस नेताओं को क्षेत्र में एक भी आदमी नहीं मिला कि हम स्थानीय प्रत्याशी को उतार सकें। बाहरी प्रत्याशी लाकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का दिल तोड़ा है, अपमान किया है। ये बहुत बड़ी भूल है कांग्रेस पार्टी के नेताओं की। किसी भी स्थानीय प्रत्याशी को दे देते, हमें कोई गम नहीं था, किसी प्रकार का संतोष नहीं था और कांग्रेस जीत सकती थी। लेकिन बाहरी प्रत्याशी होने के कारण आप कांग्रेस नहीं जीते। कांग्रेस ने ऐसे प्रत्याशी को टिकट दिया है जिसका विरोध पूरी विधानसभा क्षेत्र में है। पिछला चुनाव भी उसने जिस तरीके से लड़ना चाहिए उस तरीके से नहीं लड़ा। स्थानीय नेताओं की उपेक्षा की गई और मैं चाहता हूँ कि स्थानीय किसी भी प्रत्याशी को कांग्रेस यहाँ से टिकट दे तो कांग्रेस की जीत सुनिश्चित है। हमारी ये मांग है कि बाहरी प्रत्याशी अपने जो क्षेत्र में प्रत्याशी है तो बाहरी प्रत्याशी को लाने का कोई वो नहीं है ना। हम ये चाहते हैं कि अपने यहाँ स्थानीय प्रत्याशी को टिकट दी जाए, बाहरी प्रत्याशी को। दमोह से राजेंद्र तिवारी की रिपोर्ट। आप सभी जनपद वासियों एवं प्रदेश वासियों को दीपावली के इस पावन पर्व की एवं भैया दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी सभी के घरों में निवास करे, ऐसी कामना के साथ पुनः आप सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। राकेश सेन की ओर से समस्त नगरवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं।